हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू भाई। ट्रेन में सफ़र तो सबने किया होगा, रेलवे में, इंडियन रेलवे में। तो आपने वहाँ पे देखा होगा जो टिकट चेक करने आते हैं ना, बोलते हैं टीसी, कुछ लोग उन्हें टीटी भी बोल देते हैं, वैसे उन्हें टिकट कलेक्टर बोला जाता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको अपनी इस वीडियो में कि रेलवे में टीसी कैसे बनते हैं, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल, करियर अपॉर्चुनिटी डेली शाम को 7 बजे। करियर चाहिए तो SBG क्लासेस पर आइए। आज अपन बात करेंगे कि टीसी कैसे बनते हैं एक रेलवे में। मासे गोरबादवाच, मैं एक लेक्चरर हूँ, आप मुझसे परमानेंट जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, और कोई क्वेरी तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेलवे की जॉब सबसे अच्छी इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसमें एक तो ट्रैवल फ्री मिलता है पूरे इंडिया का, प्लस 72 डेज का बोनस मिलता है, प्लस आपका एक अच्छी खासी एंटरटेनमेंट जॉब है, घूमने का काम रहता है, और सेंट्रल की जॉब है, सैलरी अच्छी है। और ऐसे में अब तो इंटरव्यू भी खत्म हो चुका है, तो अगर आप 12th के बाद टीसी बनना चाहते हैं, टिकट कलेक्टर बनना चाहते हैं, रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं, बॉयज़ है, गर्ल्स है, ऑल ओवर इंडिया से, वीडियो आपके लिए है, लाइक कर देना। चलिए, तो रेलवे में रिक्रूटमेंट होता है जो टीसी के लिए, उसके लिए क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेलवे का जो बोर्ड है जिसका नाम है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB, वो इसको कंडक्ट कराता है, ठीक है। और ये टिकट कलेक्टर की जॉब होती है। कुल मिलाकर ये मान कर चलिए जब भी इसकी वैकेंसी आती है तो लगभग 2000-3000 के आसपास आती है। पिछले 3-4 साल से वैकेंसीज का पंगा चल रहा है, नहीं आ रही है, और जो आई है वो भी रुकी पड़ी है। लेकिन इस बार इतना प्रोटेस्ट चल रहा है कि बहुत ही जल्द आपके लिए वैकेंसीज आने वाली हैं, तो फटाफट देख लो, उसके भी अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे इसकी, बहुत ही ज़रूरी कि भाई देखो, रेलवे में जो टीसी होता है उसमें अप्लाई ऑनलाइन करना होता है, और क्या क्या चीज़ें रहती है मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले फीस की बात करते हैं। अगर आप जर्नल या अनरिजर्व UR कोटे से हैं तो आपको 500 पे करने पड़ते हैं, और अगर आप उसके अलावा SC ST हैं, OBC वालों को भी 500 पे करने पड़ते हैं, अगर आप SC ST हैं तो आपको 250 देने पड़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रेलवे अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराता है, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है। और ये देखिए, आप TC बनने के लिए एलिजिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। बेसिकली एलिजिबिलिटीज जो है इसकी, पहले आपको मैं एज बताता हूँ यहाँ पर। अगर आप जर्नल हैं तो आपके लिए एज 18 से 30 साल के बीच में आप कर सकते हैं। अगर आप OBC हैं तो 18 से 33 साल तक आपकी एज है। अगर आप SC ST हैं तो 18 से 35 साल तक आपकी एज यहाँ पर रहती है, ठीक है बच्चों। ये आपकी एज क्राइटेरिया हुआ। अब आगे चलते हैं जी। अब वैसे एलिजिबिलिटी की मैं बताऊँ, 12th के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी इसकी 12th होती है, 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। एज रिटेंशन मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए और आगे की बात करते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन, रेलवे TC क्वालिफाइंग कैंडिडेट मस्ट पास 12th क्लास। आपने 12th पास आउट कर रखी हो किसी भी बोर्ड से तो आप रेलवे में TC बन सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो भाई देखो, इन डिटेल तो मैं बताऊंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक हैं जो जनरल अवेयरनेस के आ जाते हैं। एक तरह से स्टार्टिंग का साइंस हो गया, कल्चर हो गया, पॉलिटिकल हो गया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब हो जाता है। जनरल इंटेलिजेंस भी आपका आ जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक यानी कि मैथ आपका आ जाता है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। और टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी आते हैं जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल, मतलब साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक्स होते हैं। रीजनिंग आपकी आती है, और उसके अलावा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी होता है जी। आप ये साइंस का थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं, जो इसका एग्ज़ाम है उसमें अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस के 25, इंटेलिजेंस के 15, और अर्थमेटिक के 20, टेक्निकल सब्जेक्ट 30, जनरल साइंस के टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, और उसके मार्क्स भी 120 होते हैं। 90 मिनट्स का यानी कि 1.5 घंटे का लगभग एग्ज़ाम आपको क्रैक करना पड़ता है, और ये होता है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन होता है। आप इसे ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसकी अगर डेट वगैरह अभी बहुत जल्द आने वाली है तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। और अब बात करते हैं सैलरी की। देखो ये सैलरी जो है ये एक तरह से बेसिक मानकर चलिए, इसमें मैक्सिमम ही मिलेगी। तो 21,000 रुपये से लेकर 81,000 यानी कि टोटल 81,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। प्लस सैलरी के अलावा जो मेन चीज़ है वो है आपका DNS अलाउंसेज हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड मोर देन फैसिलिटी, बिकॉज दिस जॉब इज़ रिलेटेड टू द सेंट्रल जॉब। ये सेंट्रल की जॉब है तो यहाँ पे बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अगर आप इसके लिए जी प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आप कैसे करें। देखो सारा का सारा चार्ट आपके सामने आ चुका है। बेस्ट बुक की मैं बात करूंगा, मैथ के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको, अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो तो RS अग्रवाल की बुक लें, अगर आप GK की तैयारी कर रहे हो
तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की तैयारी आप कर रहे हो तो बेस्ट तो अरिहंत की रहती है, ठीक है। एक एम के पांडे सर की भी आती है लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा तुम अरिहंत की ले लेना। साइंस के लिए ल्यूसेंट भी ले सकते हैं, या फिर जो 9th और 10th क्लास का साइंस होता है आपके स्कूल में वो आप बुक पढ़ लें किसी भी बोर्ड की, तो आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बुक आपको ज़रूर लेनी पड़ेगी, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा। एस चंद पब्लिकेशन की बुक आती है, वी के मेहता की और रोहित मेहता की, जॉइंट राइटर हैं, तो ये बुक आप ज़रूर लें, आपका इसमें बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, फिर भी कोई बात रह गई हो तो कमेंट कर देना। और हाँ बच्चों, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जॉब में तभी आप क्रैक कर पाएंगे जब सिंगल टारगेट रखेंगे। जो बच्चे मल्टीपल टारगेट्स रखते हैं कि चलो रेलवे का भी फॉर्म भर दो, बैंक का भी भर दो, एसएससी का भी भर दो, उनके लिए गलत रहता है। आप सिंगल टारगेट रखें और उस हिसाब से आपका काम चलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था बस। अब आपको आगे मिलते हैं, और अगली वीडियो में डेली शाम को 7 बजे आप लोग लाइव रहिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।